दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच तीन टेस्ट मैचों की फ्रीडम सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो गया। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में पंड्या ने अपनी सुपरमैन फील्डिंग का कमाल दिखाया। अमला और प्लेसी के बीच एक रन लेने के लिए तालमेल की गड़बड़ी हुई। इसका फायदा हार्दिक पांड्या ने उठाया, जो उस समय गेंदबाजी भी कर रहे थे। अमला ने पंड्या की शॉर्ट बॉल पर को अनसाइड पर खेलकर रन लेने का कोशिश की। पांड्या ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद उठाकर थ्रो सीधे नॉन स्ट्राइकर छोर पर मारा। अमला क्रीज से पीछे रह गए थे और को रन आउट कर दिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज अमला ने 153 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को ओपनर्स डीन एल्गर 31 और एडन मार्कर ने शानदार शुरुआत दिलाई। सेंचुरियन में टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के मुकाबले अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं। उसने ओपनर शिखर धवन की जगह केएल राहुल, भुवनेश्वर कुमार की जगह ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा की जगह पार्थिव पटेल को शामिल किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भी एक बदलाव करते हुए चोटिल तेज गेंदबाज डेल स्टेन की जगह लुंगी एंगिडी शामिल किया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर जब 246 रन था, तब अमला और प्लेसी के बीच एक रन लेने के लिए तालमेल की गड़बड़ी हुई। इसका फायदा हार्दिक पांड्या ने उठाया, जो उस समय गेंदबाजी भी कर रहे थे। पांड्या ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद उठाकर अमला को रन आउट कर दिया। दोस्तों, यदि ये न्यूज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल True 24 News। धन्यवाद।